हाई एवरी वन, दिस इज़ यूसुफ एंड यू आर वॉचिंग प्रो एक्टिव इन्वेस्टर्स। आज की मैं अपनी इस वीडियो में बात करूंगा स्टॉक की कोट को किस तरह रीड करते हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप कैनेडियन इन्वेस्टमेंट या स्टॉक के बारे में सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरी आज की ये वीडियो मेरी बनाई गई तमाम वीडियो की एक कड़ी है। मैंने अपनी पहली वीडियोस में एक्सप्लेन किया कि आप स्टॉक मार्केट क्या है, आप स्टॉक में किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको किन स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, किस अकाउंट जो कि TFSA अकाउंट है उसके थ्रू बाय करना चाहिए। खासतौर पर मेरी ये आज की वीडियो उन तमाम बिगनर्स के लिए है जो कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन जब वो कोड को स्टडी करते हैं तो उनके लिए अंडरस्टैंड करना एक मुश्किल है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कोड को किस तरह रीड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम किस किस प्लेटफॉर्म पर इसको देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये है कैनेडियन फिनांस डॉट याहू। आप यहाँ पे स्टॉक की कोड को देख सकते हैं। ये वैल्यूज़ बिगनर इन्वेस्टर्स के लिए माइट बी डिफ़िकल्ट हों कि ये क्या चीज़ें हैं। सो आई विल एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट एवरीथिंग। इसके अलावा अगर आप देखें एक स्टॉक ट्विस्ट के नाम से एक मोबाइल ऐप भी है, आप इनकी या इस वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। ये आपकी वॉच लिस्ट है जिसमें आप ऑफ एंड ऑन मुख्तलिफ स्टॉक्स को देख सकते हैं। ये मैंने एक बस डमी के लिए एक लंबी लिस्ट जनरेट की। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो उसका आपके पास चार्ट राइट साइड पे चार्ट देख सकते हैं। सेकेंडली अगर हम ये मैंने गूगल फिनांस का यूज़ किया, यहाँ पर भी एक वॉच लिस्ट होती है। अगर आप इसको देखेंगे तो एक लंबी लिस्ट है। अगर आप इस लिस्ट की डिटेल को देखना चाहते हैं, जस्ट सपोज आज मैं TD के स्टॉक के बारे में बात करूंगा तो मैंने इसको ओपन किया एक नए टैब में, तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह आ रहा है। और सेकेंडली अगर मैं बिंगो मेरा ब्राउज़र है तो वहाँ पे मैं सिंपल लिखूँ TD फॉलो बाय स्टॉक तो उसके स्टैट्स आपके पास आ जाएंगे। अगर हम गूगल पे देखना चाहेंगे सो google.com वहाँ पे आप लिखें TD stock and you will see everything. So first things first, सबसे पहले आप देखेंगे इसका नेम टोरंटो डोमिनियन बैंक फॉलो बाय इट्स, ये किस स्टॉक एक्सचेंज में डील की जा रही है। ये है टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज और इसके बाद इसका आता है स्टॉक सिंबल दैट इज TD। अगर आप उसके बाद देखेंगे तो एक बिग बोल्ड लेटर्स में आप देखेंगे जो कि इसकी आज ही करंट स्टॉक प्राइस है। और ये जैसे जैसे मैं इस वीडियो को एक्सप्लेन करूंगा आप देखेंगे इसकी प्राइस में ये फ्लक्चुएशन जाएंगी क्योंकि करंटली इसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रही हैं। सो सेकेंडली आप देखेंगे आज की करंट प्राइस अब इस टाइम पे जो कि November 23rd 2:50 PM पे इसकी प्राइस है $29.62। और आफ्टर दैट आप इसको देख सकते हैं ये कैनेडियन में है क्योंकि इसकी ये है टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज की इक्विटी है। सो इसलिए ये कैनेडियन डॉलर्स में हम इसको डील करेंगे। ये जो ग्रीन कलर है ये शो करता है कि आपकी जो स्टॉक की प्राइस है ये अपवर्ड है या गेन में है। और आज ये है $0.75 जो कि परसेंटेज में है 1.10%। इसके बाद आप देख सकते हैं इसके डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में 1 डे का ये ग्राफ है, 5 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ्स और सो ऑन। अब आते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये ओपन हाई लो, इट अगर आप ये वैल्यूज़ किसी और प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम नज़र आएंगी। जहाँ पे देखे ओपन बिड आस्किंग सो प्रीवियस क्लोज ये ऑलमोस्ट सेम होती हैं। सो TD की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेक करूँ तो देखिए प्रीवियस क्लोज मींस के प्रीवियस मींस आज मंडे है तो लास्ट टाइम ये क्लोज हुई थी मार्केट $68.86 पे फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है। सो प्रीवियस मींस फ्राइडे और आज ये ओपन हुई है $69 पे। और बिडिंग और आस्किंग, बिड मींस के इसके जो कि बाय करना चाह रहे हैं वो इस प्राइस पे बाय करना चाह रहे हैं अभी करंटली $69.72 पे, जबकि आस्किंग जो है जो कि सेलर्स हैं वो इस प्राइस पे इसको सेल आउट करना चाह रहे हैं। डे रेंज से
मुराद है कि आज मॉर्निंग टू टिल नाउ इसकी जो प्राइस रेंज है वो मिनिमम 69 डॉलर थी और मैक्सिमम 69 डॉलर 81 सेंट। 52 वीक रेंज मीन्स कि ऑलमोस्ट 1 ईयर में इसकी मिनिमम प्राइस 49 डॉलर 01 सेंट और मैक्सिमम थी 77 डॉलर 72 सेंट। ये लास्ट ईयर की टोटल रेंज है। अब मूव करते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम एक्चुअली है इसकी कितने शेयर्स का आज ट्रेड हुआ आज के दिन पे। अब अगर आप देखें तो सेकंड्स में ये वैल्यू अपडेट्स होती हैं। देखें 451 है और इसी के बाद अभी आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद देखें 951। जो करंटली इस स्टॉक पे कितना ट्रेड हो रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि आज के दिन में ट्रेड हो रहे हैं और उसकी एवरेज है। ओके, अगर यही वैल्यूज मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे देखता हूँ तो आप देख सकते हैं ओपन, हाई, लो, मार्केट कैप भी, और फिर यही वैल्यूज आप इस पे भी देख सकते हैं जो कि याहू का है। अब मार्केट कैप क्या है, मार्केट कैप एक्चुअली कितने शेयर्स मार्केट में है इस वैल्यू यानी कि 69.75 डॉलर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो उसका मार्केट कैप निकल आता है कि मार्केट में इतनी वर्थ के शेयर हैं या कितनी वैल्यूज है उन तमाम शेयर्स की जो कि मार्केट में है टीडी बैंक के। अब आते हैं पीई रेशो। पीई रेशो प्राइस टू अर्न रेशो, ये एक एक्चुअली रेशो है स्टॉक मार्केट वैल्यू रेशो टू कंपनी अर्न पर शेयर वैल्यू। ये इस वैल्यू से ये डिटरमिन होता है कि जो स्टॉक की करंट प्राइस है वो ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। नेक्स्ट अगर मूव करें तो ये देखेंगे आप अर्निंग डेट। अर्निंग डेट एक्चुअली कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट की डेट होती है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट इस कंपनी की किस डेट को रिलीज होगी। 3 दिसंबर 2020 को टीडी बैंक की फाइनेंशियल रिपोर्ट जो अब अपकमिंग है वो रिलीज होगी। फॉरवर्ड डिविडेंड एंड जील्ड, फॉरवर्ड डिविडेंड एंड जील्ड मीन्स कि इस स्टॉक का डिविडेंड रेट क्या है, 4.9% है और इसकी जो डिविडेंड की सूरत में हमें जो प्राइस कैश मिलेगा वो है 3.16। इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ये रफली इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टॉक की प्राइस 69.72 मल्टीप्लाई बाय 4.59 जिसका डिविडेंड रेट है और ये आ जाता है आपके पास 1 ईयर का जो कि 3.2 और अप्रॉक्सीमेटली 3 पॉइंट, अगर मैं इस वैल्यू को राउंड ऑफ करूँ तो ये 3.2 ही बनता है। अब एक्स डिविडेंड डेट क्या है, एक्स डिविडेंड डेट एक्चुअली वो डेट है जिस डेट पे डिसाइड होता है कि जो डिविडेंड है वो किसको पे करना है। अगर आपने कोई स्टॉक इस डेट या इस डेट के बाद बाय किया तो जो इसका डिविडेंड है वो उसको मिलेगा जिसने सेल आउट किया क्योंकि आपने बाय किया था इस डेट पे। अगर आप अक्टूबर 8 से पहले यही आप स्टॉक बाय करते तो डिविडेंड आपको मिलना था। और फर्स्ट ईयर टारगेट एस्टिमेटेड वो है ये जो के स्टॉक एक्सपर्ट्स हैं उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू इसके अपकमिंग ईयर में होगी जो कि अभी स्टॉक प्राइस अगर आप देखें तो 69.70 डॉलर है और यहाँ पे 69.11 डॉलर है। ये इसका एक छोटा सा ओवरव्यू था और इसी तरह जैसे आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं डिफरेंट ग्राफ्स के रेंज हैं। यहाँ पे 3 मंथ्स है अगर मैं स्टॉक ट्विस्ट को देखूँ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, तो इसी तरह आप ये याहू फाइनेंस के ऊपर भी 1 ईयर 1 मंथ का देख सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप किसी भी स्टॉक की कोट को किस तरह रीड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम एक ही स्टॉक की कोट को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, सो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा है। सो मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप आने वाली मेरी तमाम वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें।